एसएससी के अगेंस्ट में बच्चों का प्रदर्शन लगातार जारी है, उसी चीज के साथ यहाँ पर लोग दिल्ली तक पहुँच गए हैं और इनके साथ प्रूफ भी है जिससे वो दर्शा सकते हैं किस तरीके से एसएससी को में लेकर धांधली की जा रही है। इसी प्रूफ की जांच के लिए आइए हम यहाँ पे बातचीत करते हैं कुछ बच्चों के साथ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है जो दर्शाता है कि एसएससी को लेकर धांधली की जा रही है, क्या है प्रूफ आपके पास? मैं धांधली के लिए सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, पर इस बात का मेरे पास सबूत नहीं कहूँगा, पर मेरे पास जो रोल नंबर है उसको आप खुद नेट पे चेक कर सकती हैं। आप देख सकती हैं कि ये जो रोल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ये सही है कि नहीं। आप आयोग के साइट पे जाएंगी, जो एग्ज़ाम हुआ है उसको साइट एग्ज़ाम के रिजल्ट को निकालेंगी और इसको आप निकालेंगी, मैच कराएंगी। अगर मेरे तर्क गलत होते हैं तो अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, पर अगर मेरे तर्क गलत नहीं होते हैं तो आयोग कोई नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये मानना पड़ेगा कि करप्शन हुआ है। आपके पास ठोक सबूत भी है कि साइड पे भी देखा जा सकता है? हाँ, आप इस चीज को देख सकती है, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ आपके सामने कह रहा हूँ, मेरे पास ये 23 लड़कों की लिस्ट है, स्टार्टिंग के चार का तो मैं खुद देखा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को कहीं से कोई भी सिस्टम से कोई भी सरकार से कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है। यहाँ हम लोग 20 लाख कैंडिडेट्स हैं जो तीन तीन चार चार सालों से एसएससी के कॉम्पिटिशन को बीट करने में लगे हुए हैं, दिन रात एक करते हैं। जो कट ऑफ हमारी 300 साढ़े 300 नंबर में इंटरव्यू पोस्ट मिलती थी, इनकम टैक्स जैसी पोस्टें मिलती थी, उसमें 75 से 80 नंबर की कट ऑफ ऊपर चली गई। कैंडिडेट्स वो इंटरव्यू के लिए दावेदार हैं जो प्री में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, और ये सब हम लोग एक रिकॉर्ड एक डाटा है हमारे पास जिसके बेस पे कह रहे हैं, हवाबाजी में कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। बट हमें कोई सरकार से और किसी भी तरीके से एसएससी की तरफ से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सीबीआई जांच के लिए हम लोग तैयार हैं, बट वो बैठे बहरे बन के बैठे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे सुसाइड करने को भी तैयार हैं क्योंकि हम लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया। 27 से 30 साल उम्र हो गई है, इसके बाद हम लोग चाय भी नहीं बेच सकते, और यहाँ पे हमारी जो बीजेपी सरकार है वो कान बहरे बहरे बहरी होके बैठी हुई है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही हमारे लिए, हमारा फ्यूचर अंधकार में है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम यूथ के साथ हैं और दूसरी तरफ हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है तो हम मेट्रो स्टेशन पे चक्का जाम कर देंगे, मेट्रो को बंद कर देंगे, और किसी भी कीमत पे हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सिस्टम से अनुरोध है, हमारा रिक्वेस्ट है कि वो सामने आए और इस मामले पे सुनवाई करें। तो यहाँ पे मौजूद बच्चों का कहना है कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत बच्चों को सपोर्ट करने की बात करती है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे मुल्क के भविष्य है, अगर इन्हीं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर हमारे मुल्क के भविष्य का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ ये बच्चे यहाँ पे आए हैं, इस उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं जो बच्चों के को सपोर्ट करने वाली बीजेपी हुकूमत जो बातें करती है वो इनका सपोर्ट करेगी, और अगर इन्हें सपोर्ट नहीं मिलता तो ये मेट्रो से जाम करने की बात करेंगे। मैं चाहती थी कि मैं अपने सुभाष के साथ मिल सकूं।